Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. आप सभी लोगों का YND न्यूज में स्वागत है। आज मीरा भाईंदर में एक बहुत बड़ी घटना सामने आई है जो कि इंसानियत पर एक कलंक है। यह घटना एक नाबालिग लड़की के साथ रेप केस का है। आपका YND न्यूज एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते लड़की का नाम और पता नहीं बता सकता। एक रिक्शा चालक और उसके दोस्त जो कि गैरेज वर्कर है उन पर 11वीं क्लास की नाबालिग लड़की के साथ रेप केस का आरोप लगा है। आरोपी रिक्शा चालक लड़की को उसके घर से कॉलेज छोड़ा करता था और पैसा देने पर मना करता था। ऐसे ही दोनों के बीच में दोस्ती हो गई और एक दिन रिक्शा चालक जिसका नाम दानिश है उसने लड़की के साथ गलत हरकतें करने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों की फ्रेंडशिप टूट गई और बातचीत भी होना बंद हो गया। इसके बाद दानिश ने लड़की का मोबाइल नंबर अपने दोस्त शमशाद को दिया जो कि एक गैरेज वर्कर है। उसके बाद उसने लड़की को कॉल किया और बोला कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और दानिश के बारे में कुछ बताना है, तुम मुझसे मिलो। इसके बाद दोनों की मुलाकात हुई और शमशाद ने लड़की का विश्वास जीत लिया और उससे एक बार पूछा कि तुम आगे क्या करना चाहती हो। लड़की का जवाब था कि उसे फिल्म लाइन में जाना है। शमशाद ने कहा कि उसके बहुत सारे दोस्त फिल्म लाइन में हैं और वो उसका काम करवा देगा। ऐसे दोनों की दोस्ती और बढ़ गई। इसके बाद लड़के ने लड़की से कहा कि चलो मैं तुम्हें ऑडिशन दिलाता हूँ और डायरेक्टर से मिलवाता हूँ। यह बोलकर लड़की को वह गोराई के एक लॉज में लेके गया और वहाँ पर उसे खाने के लिए चाइनीज़ दिया जिसमें कि पहले से ही नशीली पदार्थ मिली हुई थी। यह चाइनीज़ खाने के बाद लड़की बेहोश हो गई और शमशाद ने उसके साथ रेप किया। यह घटना होने के बाद लड़की घर आकर सारी घटना अपने घर वालों को बताया, जिसके बाद घर वाले पुलिस स्टेशन जाकर नौघर पुलिस चौकी में FIR दर्ज करवाई और पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपी को धारा 376, 354 और 363 के तहत गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों का नाम दानिश मोहम्मद अंसारी, जिसकी उम्र 26 साल है, जो एक रिक्शा ड्राइवर है, और दूसरा शमशाद अशफाक खान, जिसकी उम्र 26 साल है और यह एक गैरेज वर्कर है। दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। आइए हम जानते हैं कि इस बारे में पुलिस का क्या कहना है। क्या घटना हुई है, इस घटने में की पूरी जानकारी क्या है? 16 साल की नाबालिग लड़की है, वो 11वीं में पढ़ती थी। तो कॉलेज में जब जाती थी तो एक रिक्शा में वो बैठ के कॉलेज में जा रही थी, तो रिक्शे वाले ने उसके पास से पैसा नहीं लिया और शमशाद करके नाम उसका है। तो उसके बाद में उसने उसके साथ दोस्ती बढ़ाई और हर रोज़ उसको छोड़ने जाता था और एक दिन उसको विश्वास दिला के फ्रेंडशिप करके उसको गोराई घूमने लेके गया, गोराई बीच। उधर जाके उसके साथ में बदतमीजी की, छेड़छाड़ की उसको। तो लड़की को उसका गुस्सा आया, जब से वो उससे बात नहीं करती थी। फिर भी ये आरोपी रिक्शा वाला उसका पीछा करते रहता था वो दोस्ती करने के लिए, लेकिन वो उससे बात नहीं करती थी। इसलिए उसको गुस्सा आके उसको तकलीफ देने के लिए उसने अपना दोस्त दानिश गैरेज वाला ये उसको उसका नंबर दिया और उसको परेशान करने के लिए उसको बोला। फिर दानिश ने उसको फ़ोन करा के उसको कुछ बात बताना है करके उसको बुलाया, उसको मीटिंग किया और फिर उससे दोस्ती धीरे धीरे किया। फिर उसके बाद में उसको उसने पूछा कि तेरे को क्या करना है, क्या बनना है। उसने बताया कि मुझे फिल्म सिटी में काम करना है। तो उसने बोला कि यार मेरा तो फिल्म सिटी में पहचान के लोग हैं, तेरा तो मैं काम करा दूंगा। तो उसने बोला कल गोराई में उसके इंटरव्यू है फिल्म सिटी के लिए, तो तू चल मेरे साथ में, मैं तुझे काम दिला दूंगा। तो बोले कि ठीक है कल चलते हैं, मैं आती हूँ। फिर दूसरे दिन वो अपनी गाड़ी में उसको लड़की को लेके गया, फिर गोराई में लॉज में लेके गया। लॉज में उसने उसको खाने के लिए जबरदस्त किया, खाना बुलाया। खाने में उसने कुछ तो भी नशीली दवा मिक्स किया। वो खाना खाने से लड़की को चक्कर वगैरह आना चालू किया, वो बेहोश हो गई। उसने उसके कपड़े वगैरह उतार के उसके साथ बदतमीजी की और लैंगिक अत्याचार उसके ऊपर। सर, इस घटना में कितने आरोपी को अरेस्ट किया गया है, कौन से कायदे अंतर्गत इसके ऊपर कार्रवाई की गई? हाँ, इसमें दो आरोपी हमने अरेस्ट किया है।
रिक्शा वाला और वो गैरेज वाला, इसका नाम शमशाद और दानिश है, और उसके ऊपर 354 376 पोस्को एक्ट 367 के तहत कार्रवाई की है, अभी इंक्वायरी जारी है।